पत्रकार अजय राज सक्सेना पर झूठा प्रकरण दर्ज कराने के विरोध में पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी में पत्रकार अजय राज सक्सेना पर झूठा प्रकरण दर्ज कराए जाने के विरोध में जिले के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पत्रकार अजय राज सक्सेना ने कुछ माह पूर्व फाइनेंस कंपनी का काम लेकर आए थे, उसी कंपनी का काम कर रहे थे। जगत सिंह आदिवासी निवासी अर्जुन गवा ने एक गाड़ी फाइनेंस करवाई थी, जिसकी कुछ किश्तें तो दे दी लेकिन बाद में किश्तें चुकाना बंद कर दी। कंपनी के कर्मचारियों ने कई बार किश्त के लिए चक्कर काटे लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया, जिस पर उसकी बाइक सीज कर दी गई। इसका बदला लेने के लिए जगत सिंह ने थाने में झूठा शिकायती आवेदन दिया। इसकी पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के केस दर्ज किया, साथ ही तहसीलों में आवेदन दिए हैं। आवेदन के माध्यम से पत्रकारों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। हमारे पत्रकार साथी हैं अजय राज सक्सेना जी, इनके विरुद्ध मामला दर्ज किया है। एससी एसटी एसटी एक्ट का भी मामला दर्ज हुआ है, उसमें हम लोगों का ये मांग है, मामला बिना किसी जांच पड़ताल के उनके ऊपर दर्ज किया गया है। जबकि आम तौर पर यह नियम है कि पत्रकार के विरुद्ध कोई भी मामला बिना जांच के नहीं दर्ज किया जाता। इसमें ना पत्रकार पक्ष से कोई बयान लिए गए हैं, ना ही उनका कथन दर्ज है। और इस तरीके से जो मामला दर्ज हुआ तो हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांगा था कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराए और सच्चाई सामने लगे। बताया जा रहा है कि कोई गाड़ी फाइनेंस कंपनी से भी उनका कोई टाई अप है। नहीं, ये किसी भी पत्रकार का ये अपना राइट है कि वो पत्रकार से आते हटके वो भी काम कर सकता है, अपने धनोपार्जन के लिए, जीवन यापन के लिए वो कोई भी काम कर सकता है। तो यदि ऐसा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अगर उसमें वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उसकी जाँच कीजिए, जाँच के बाद यदि बनता है कि उन्होंने गलती की है तो आप मामला दर्ज कीजिए। लेकिन हमारी मांग ये है कि क्योंकि जाँच नहीं हुई है तो उसकी जाँच की जाए, मुख्यमंत्री जी से हमारी ये मांग है, उसकी जांच की जाए, फिर जो भी है दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा।